जस पंजाबी ते पंजाब बोलदा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ कुलविंदर सिंह ते पंजाब बोलदा दे विच अज गल करांगे देश के किसानां दी मजदूरां दी ते विद्यार्थियों की। दरअसल वड्डे पद्धर दे उत्ते देश दे विच इन्हां जथेबंदियां दे वल्लों प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 200 तों वध किसान मजदूर जथेबंदियां ने विद्यार्थी संगठन ने जो इस प्रदर्शन दे विच शामिल होए ने भारत बंद का सद्दा उन्हां वल्लों दित्ता गया है। इल्जाम वड्डे पद्धर दे उत्ते ही लाए जा रहे हैं कि किसानां दे वल्लों वड्डे पद्धर ते देश की किसानी जिहड़ी है कर्जे दे विच डुब रही है। सारे किसान कर्जे की मार हटा रहे हैं तो इस तों अलावा जो मजदूर ने उन्होंने रुजगार जिहड़ा है वह लगातार खोया जा रहा है तो उस रुजगार तो वह लगातार वांझे हो रहे हैं। इसे लैके प्रदर्शन इतने किया जा रहा है। तस्वीर तुम वेख सकते हो फिलहाल चंडीगढ़ के सैक्टर 17 दी तस्वीर ने जिथे तमाम किसान ते मजदूर संगठन पहुँचे हुए हैं तो लगातार केंद्र की BJP सरकार के खिलाफ एक मुठ होकर उन्होंने वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। मंग यही की जा रही है कि किसानों का सब तो पहला कर्ज माफ़ होना चाहिए है। इस तों अलावा जो फसलों दी कीमतां ने MSP है जिसका वादा किया गया सी केंद्र दी BJP सरकार दे वल्लों जो 2017 दे विच आई सी कि स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, पर दूजी बार मोदी सरकार सत्ता च आ चुकी है हाले तक स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। बहुत सारे लोग इतने मौजूद ने। सर की नाम है तुहाडा? मनजीत सिंह जी। मनजीत जी की कहोगे इन्ने वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन करना पै रहा है किसानां ते मजदूरां नूं जिहड़ी मौजूदा BJP सरकार है उस दे नाल की कुछ इतराज़ ने? सर जिहड़ी सरकारां है इह कम नहीं करदियां हैगियां बिल्कुल भी, इन्हें विरोध ही करना चाहिए। बाकी तो पहली गल है भी सरकार कोई होर आनी चाहिए, दो ही सरकार कांग्रेस से BJP दोनों नहीं आने चाहिए, इन्हें जो तीजी पार्टी आनी चाहिए कोई। BJP की सरकार ने वादा किया कि असी स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट लागू करांगे, अगे वो वादा कर रहे कि 2020 तक असी किसानों की जी आमदन है दुगनी कर देंगे, पर इस वेले हालत की है किसानी की? बुरा हाल है जी किसानों का, मजदूरों का बुरा हाल है, जेडे वर्कर है उन्होंने बुरा हाल है, सारे का बुरा हाल ही है जी। एक नोटबंदी की गई थी 2016 की असर होया? कह रहे थे कि आने वाले टाइम चंगे फायदे होंगे नोटा ना, सगो होर पिछे चलेगा 100 साल होर देश पिछे चले गया, साढ़े इंडिया हिंदुस्तान होर पिछे चले गया, जबकि अगे जाने वास्ते कहते थे अरे वादे करते थे पब्लिक के नाल भी असी कले कले अपना बंदे के अकाउंट के 15-15 लाख रुपया पावे, वो कितने कुछ भी नहीं होया। तुहाडा की नाम है? नसीब सिंह। की कहना चाहोगे की हाल है मौजूदा वेले किसानी का मजदूरों का ते जिहड़े साडे विद्यार्थी ने? किसानों नूं अपनी फसल का जिहड़ा वाजिब दाम है मुल है वह नहीं मिलता, क्योंकि किसान सर्दी के ठंड के पानी लाता है, उन्हों तैयार करता दवाइया पाता है, पर जब मार्केट के आती है उन्होंने तो मुल ही नहीं मिलता, जिहड़ा अड़ती हैगा उ खा जाता है, अड़ती खा जाता जो उत्थे मार्केट फीस उस कार खा जाती है उन्होंने फिर मुल नहीं मिलता। वो प्याज में आलू प्याज कट्ठे अपने तैयार करता है, वो जब तैयार करता वो इन्नी कॉस्ट आ जाती है, जब उन्होंने बेचता मार्केट के लाके उन्ना उन्ना मुल ही नहीं मिलता, तो इस करके किसान की जी हालत तो मरने वाली हो पई है, वो किसान मर रहे सरकार को कुछ भी नहीं हो रहा। तो फर्क की लगता? इस तो पहला UPA की सरकार से कांग्रेस सत्ता के जोड़े वादे करती थी तो मोदी सरकार जो वादे करके आई थी, तो कोई फर्क लगता या दोवें सरकार एक जगह दोनों बराबर ला दी सरकार उन्हें भी कुछ नहीं किया, जिदा कि पिछले 40-45 साल राज उन्होंने किया, हूँ 10 साल इन्हों भी तकरीबन होने वाले हैं, इन्हों का भी उही हाल चल रहा, इन्ह दो तीन मुद्दे जिदा 370 वाला हो गया वो करता लोगों को दिखाता भी असं ये कुछ करता, ये कि बहुत पुराना मुद्दा सी 370 वाला भी 300 कि इंडिया का 1 अरब रुपया जम्मू कश्मीर लगता सी वो थोड़ा बचाव हो सकता है सू लगता जो बाकी हूँ ये तो अगले टाइम से अगले टाइम आऊगा वो पता लगेगा। की लगता कि नीति सरकार की असल होनी की चाहिए सी पर असल सरकार कर की रही है? नहीं सरकार देखो जिदा स्वामीनाथन की इन्होंने एक रिपोर्ट वास्ते कहा असी लागू करांगे उन्हों लागू करना चाहिए, जिहड़े किसान का खर्चा आता है फसल के देखना चाहिए भी एक्चुअल खर्चा अपना जो किसान है किन्ना करता है तो उन्होंने किन्ना वापस पा देना है वो होना चाहिए, जिहड़े मरूज मजदूर कम करते हैं रोडों के कम कर रहे हैं दफ्तर के कम कर रहे हैं उन्होंने कड़िया जरूरत है वो किन्ना कू अज पैसा चाहिए है अपने लोग बच्चे पालने वास्ते उ सारा कुछ ला के उन्होंने भी किन्नी आप पे देनी है, ये सारे मुद्दे सरकार के बनते हैं पर उधर का ध्यान ही नहीं है। हूँ जब भी इन्होंने अपने कोई गड्डिया लेनी आ अपनी पे बधानी है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे अपना अपना रूलिंग पार्टी हो उस टाइम ये बथेरा कुछ करते हैं। की नाम है जी? स्वर्ण सिंह। मोदी तुम प्रदर्शन च पहुंचे हो रहे थोड़ा की लगता कि भी सरकार किसानों लिए कुछ कर रही है मजदूरों लिए कर रही है? किसानों लिए क्या कर रही है जी? कुछ नहीं कर रही, किसान अपने फसल में बच्चा कितना पालता हाँ जी, दिन रात मेहनत करता वो तो दिहाड़ी भी नहीं पल्ले पैंदी हैगी है जी, कभी सुंडी मार जाती है कभी भगवान की कृपा हो जाती है,
हाँ जी वो मुल नहीं मिलता उन्होंने कि इदां दे प्रदर्शनां नाल सरकार दे उत्ते कोई असर होगा। हाँ जी प्रेशर तो पैंदा है, हाँ जी प्रेशर तो पैंदा उन्होंने सोचण मजबूर कर दिंदे आ अपने पर। सरकार तो कोई वर्ग इस वेले खुश नहीं है भावें किसान होण मजदूर होण कोई कुछ नहीं जी हैगी। थोड़े सामने देख लो हर तरह का मुलाजम है, इत्थे बैंक वाले ला लो रोड दे ला लो है जी, जिहड़े हुण अफसरां दे घरां काम करदे ला लो उन्होंने तो मौज लगी पई है, सब कुछ मिल जाता है। हूँ जो बाहर जरा धुप्प च काम करता है मीँ च काम करता उन्होंने बारे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं सोचती हैगी। तो होर भी मजदूर तो किसानों के नाल गल करन दी इत्थे कोशिश करांगे जो कि लगातार पहुँचे हुए हैं। सवाल वड्डे पद्धर के उत्ते ही चुकया जा रहा है कि जो वादा किया गया सी खास तौर के उत्ते किसानों के मजदूरों के नाल वादा जिहड़ा है पूरा नहीं होया है, कुछ होर लोगों ने गलबात करांगे। एक छोटे जे ब्रेक लई रुक रहे हैं, पंजाब बोलदा लगातार जारी रहेगा। तो किसानों के मजदूरों के नाल बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने इन प्रदर्शनों के शामिल होए ने, नौजवान जिहड़े ने सरकार के नाल खास तौर के उत्ते नाखुश ने क्योंकि रुजगार का मसला जिहड़ा एक वड्डे पद्धर के उत्ते मसला बनया होया जिसनों हल करन दे विच सरकार जिहड़ी है वह नाकाम नज़र आउंदी है। कई वड्डे वादे किए गए सी, 20 करोड़ 2-2 करोड़ रुजगार जिहड़े सी देण दा वादा किया गया सी हरेक साल, पर रुजगार नूं लैके जिहड़े नौजवान ने उह निराश ने। की कहना चाहोगे अज इन्ने वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन करना पै रहा है किसानों मजदूरों नौजवानों नूं कि सरकार दीआं नीतियां इन्हां दे खिलाफ ने? मतलब सरकार की नीतियां सिर्फ इन्हां दे खिलाफ ही नहीं है, ये विरोध न सहन की इन्हां दे कपैसिटी भी नहीं है। मतलब जदों भी तुसी विरोध कर रहे हो इन्हां दा एक तो वो उत्ते रिस्पोंस जिहो जिहा हुंदा, पुलिस का वार जिहो जिहा हुंदा वह बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिन्होंने कहिंदे आ कोई शर्म नहीं इन्होंने छड्डी आ। तो दूजी गल इन मुद्दों से तो गल करन दी दूर की गल आ, दूजे फालतू के कानून ला ला के जनता आपस में लड़ाने इन्हां दी लगातार कोशिश होंदी जिवें CAA NRC नूं लेके। तो यदा की नुकसान है जो इस NRC ते CAA नूं लैके जो पूरा वड्डे पद्धर ते चल रहा है, तो उसना की तुसी लगदा कि देश नूं की नुकसान है? देखो अपने देश से बहुत सारी दिक्कतां चल रही हैं, बेरोजगारी की दिक्कत आ, नौकरियों की दिक्कत आ, हेल्थ की दिक्कत आ, एजुकेशन की दिक्कत आ, पर उन्हां चो ये दिक्कत हैगी ही नहीं कि सानू नागरिकता की बहुत टेंशन पई हुई है। ये बहुत ही इमीजिएट मुद्दा है कि सानू हुणे नागरिकता सारियां नहीं पता करनी पैनी है। तो नागरिकता पता करने जाने का तरीका है कि भाई तुसी दस्तावेज कट के लाओ। 18 करोड़ तो उत्ते लोग जमीन पर सुनते हैं, इन्ने बंजारे ने, बंजारे ट्राइब्स कितने भी सैटल नहीं होंदिया ने, वो अपने डॉक्यूमेंट्स तुसी उन्हों कह रहे हो कि अपने जन्म पत्र, अपने माता पिता का जन्म पत्र लेके आओ, उन्होंने तुसी आधार कार्ड मंग लो, वोटर आई डी कार्ड वो भी नहीं होना उन्होंने कोल, तो उन्होंने तुसी अपनी नागरिकता का एक जिहड़ा तुसी प्लेटफॉर्म सैट किया है कि असी कागजां देख के दसांगे, यह इत्थे जमा भी नहीं लागू। उहदे विच भी जिस तरीके नाल मुसलमानां नाल इत्थे खास वितकरा हैगा, जे तुसी कर्नाटका जे इत्थे मुसलमान हो तुहाडे कोल दस्तावेज नहीं हैगे, तुहानू यह दस्या जाऊगा कि तुसी भाई इस देश दे सिटीजन ही नहीं हैगे, तो तुम्हें अपने कोर्ट से जाके फिर वो लगातार गेड़े खाओगे तो परेशान होंगे। तुम कहना चाहोगे कि लगता कि NRC तो CAA जो है वो जोड़े इस तरीके किसानों के या नौजवानों के होर मसले ने, मजदूरों के मसले ने, उन्होंने तो ध्यान भटकाने की कवायद है? देखो ये तो सीधी देखने वाली गल बनती हैगी कि जड़िया आम लोगों दस्यावान ने वो अपन साफ साफ झलक दें नेगियाँ। आज के समय 45 साल तो रिकॉर्ड तोड़ गया बेरोज़गारी, तो दूजे पासे जो तुम आम लोगों के कोल बस्तियों के जाओगे ज आम मजदूर किसानों में जाओगे जिन्होंने NRC बारे पता ही नहीं है, मतलब उन्होंने तो यह लग रहा भी साढ़े आंढ़ गुआढ़ जो कोई आतंकवादी रहे उन्होंने बाहर कड़न की तैयारी है। जो 2 मिनट गल करते हैं उत्थे जाके पता लगता भाई ये जी आम लोगों ने भी दोबारा फिर नोटबंदी हरासमेंट आएगी है ना। हुण आम लोगों की समस्यावां कित्थे पईआं नेगियां, तो जिहड़े मोदी दे डायलॉग आउंदे ने उत्तों दिल्ली तो भाषण दिंदा वो कित्थे पए ने, वह समझण की लोड़ हैगी भी आम लोग कित्थे खड़े ने गे ते देश साडा कित्थे चल रहा है। लगता कि जिहड़ा NRC ते CAA दे विचाले जिहड़ा किसानां दी आमदन दुगनी करन दा वादा होया सी, जां साल विच 2 करोड़ नौकरियां दा वादा होया सी, उह इन्हां दे विच दब के रह जाएगा, इन्हां दे विच दबाउण दी कोशिश हो रही है? देखो इहदा सरकार तां आई वारी इन्हां दा जिहड़ा चोण जुमला हैगा इह हर वारी दे रहे नेगे, मतलब ये नाल दबा रहे ने, तो साफ गल है हर नवें तो पहले बाबरी मस्जिद का कानून लैके हुण इह कानून लैके तो लोकां ध्यान कदा भड़कदे ही हैगा, पर ये बड़ी खुशी की गल ये आ कि लोगों की एकजुटता सामने आई हैगी, वो सब तो सोहनी गल लगती है कि भी सरकार की कर रही है लोगों के लिए, आम लोगों की समस्या कितने खड़े ने, तो उसके लिए सरकार की जी मारू नीति वे खिलाफ लोगों की जी आवाज़ बुलंद आ, सब तो सोहनी गल आ भी लोग ये उपर खिलाफ सड़कों के उतरने। तो लगता है कि सरकार विरोध की आवाज़ पसंद नहीं करती, अजिंह आवाज़ों दबाने की कोशिश करती है?
कोई शक ही नहीं है इस बात में जो जेएनयू में जो परसों इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ पे एबीवीपी के गुंडे जो है मास्क पहन पहन के है ना, मुंह पे कपड़ा बांध बांध के जो उन्होंने छात्रों को वहाँ पे पीटा है, जो वहाँ की प्रधान है जो कि लेफ्ट यूनिट से बिलोंग करती है, उसको वहाँ उसका वहाँ पर सर फोड़ा गया है और उस सबको जो है दिल्ली पुलिस बड़े आराम से खड़े होकर देख रही है। जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में जब स्टूडेंट वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ तो उनको इतनी ब्रुटैलिटी से वहाँ पे हैंडल किया जाता है कि वहाँ पे लाइब्रेरी में घुस घुस के बच्चों को मारा जाता है, और जब यहाँ पे जो पुलिस की शह में जो एबीवीपी के गुंडे आके छात्रों को पीट रहे होते हैं तो जो दिल्ली पुलिस है वो वहाँ पे वेट कर रही होती है कि वो हमें तो वीसी ने अंदर आने का अभी तक मियां कमीन का जवाब ही नहीं दिया। तो यहाँ पे साफ साफ पता लगता है कि ये साजिश के तहत वहाँ पे छात्रों को पीटा गया है। और हर जगह चाहे यूपी में देख लीजिए, जब सीए और एनआरसी का विरोध वहाँ पे कर रहे हैं तो मुस्लिमों को चुन चुन के वहाँ पे उनके घरों में घुस घुस के घरों में तोड़फोड़ की गई है और उनको जेलों में भी डाला गया है। सरकार ये कहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम पढ़ाई करना होता है, प्रोटेस्ट करना नहीं होता, इस बात से आपके कहाँ तक वो? इस बात को हम बिल्कुल नकारते हैं। हम उनके क्लर्क बनने तक और उनके इस सिस्टम में पुर्जा बनने तक की जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हम नकारते हैं। हमारी जो पढ़ाई है वो इस जो सोसाइटी में जो गलत हो रहा है, जहाँ पे भी अन्याय हो रहा है उसको देख के, उसको समझ के और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने को भी कहती है। जो हमारे संविधान है, जो हम पढ़ते हैं है ना, जो हर चीज़ हम सोशल साइंसेज में पढ़ते हैं, तो उसको लागू करने की भी बात है। हम सिर्फ क्लर्क बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तुसी की कहना चाहोगे, तुसी प्रोटेस्ट कर रहे हो, की कहना चाहोगे मौजूदा वेले जिहड़ी सरकार है कि वो किसानां ते मजदूरां दी गल नहीं सुन रही? बिल्कुल जी, जिन्ना भी आपां मोदी गवर्नमेंट दे आने तो पहला भी तो उस तो बाद भी जिहड़ियां एलपीजी दीआं पॉलिसियां आंदियां ने है ना, तो उस तो बाद एलपीजी पॉलिसी तो बाद हमेशा जिहड़े मजदूर आ, जिहड़े किसान आ, जिहड़े मध वर्गी जमात भी हैगी आ, उहनां दे हक्कां ते डाका मारिया जा रहा। हुण दे समें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आ है ना, किसानां दी हालत माड़ी आ, मतलब अनडेमोक्रेटिक तरीके दे नाल उन्हां दे जमीन खोईयां जा रही ने, आदिवासियों की हालत माड़ी आ, उन्हां दी जमीन ते कब्जे किए जा रहे हैं, मजदूरों की हालत भी माड़ी आ, मतलब मजदूर नू फैक्टरी दे विच ना बहुत शोषण किया जा रहा है ना, उन्हां नू पैसा घट मिलता ते नाल दे नाल जिहड़े जॉब्स ने ठेके ते लोकां नू रख्या जा रहा, हरेक सैक्शन के हरेक हिस्से दे अज दे समें हालत माड़ी आ। तो यह हालत तो पासे करन वास्ते ना, फाइनैंस कैपिटल के हकां नू पुरन वास्ते सरकार ये जिहड़े हिंदू मुसलमान नू लड़ाने वाली पॉलिटिक्स भी नाल नाल कर रही है आदि वोट बैंक के वास्ते। एक नौजवान होने के नाते तुसीं अपनी सरकार तो की उम्मीद करते हो, पर सरकार असल दे विच कर की रही है? नौजवान असी तो सरकारां तो ये कहने कि वो साडी एजुकेशन, साडी हेल्थ ते साडे लई की इनवेस्ट कर रही है, ते उहदे तुसीं जिहड़े साडे गवर्नमेंट दे जिहड़ियां तुसीं पॉलिसीज़ देख लो, साडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टूडेंट्स लई की लैके आई है, हुण सी ए आ रहा वो सारियां कम्यूनिटीज़ के लिए की है, तो जी एमरजेंसी 84 वेले देखी तो हूँ दे जो अन्न लैनी एमरजेंसी मैं पोस्टर भी फड़िया उहदे च यही है कि उस वेले सी सारी मशीनरी स्टेट की ओ सी, तो हूँ जो फर्क आ हूँ स्टेट की मशीनरी का काम कर ही रही आ, प्लस जी साढ़े धर्म के नाम से वंडियां पा के वो प्लस वो एक फैक्टर ऐड हो गया, तो साढ़े जोड़े लोगों उन्होंने लोगों वंड के लोगों भी आपस में लड़ाने का काम करता। की लगता कि सरकार क्यों नहीं सुन रही, या तो लगता कि इस तरीके के मुजाहरों तो बाद सरकार तक गल पहुँचेगी, कोई असर होएगा इन्हों का? सरकार तो यही एक मैथड आ कि असी अपनी जिहड़ी रजिस्टेंस आ उहनूं शो करन दा एक मैथड आ, सरकार तक पहुँचना उहदा एक्ट करना उहनूं करना पैणा। जदों सारे हुण मजदूर भी आ चुके ने, स्टूडेंट्स भी आ चुके ने, सारे लोग सड़कां ते ने, तां उहनूं देखना चाहीदा कि मेरे लोग जिन्हां दे लई मैं मैनूं चुणिया सी तां मेरे लोग कित्थे ने। देखो जी, मोदी सरकार बारे आपां कुछ नहीं कहना चाहते, पर एक छोटी जी कहावत करके मैं समझाना चाहुंदा कि एक औरत रोटियां बना रही थी बैठी, बाहर ते रौला पिया कि सिर पड़ गया, सिर पड़ गया। वो कहती मैनू कह लेना क्या टेंशन है साढ़े कड़े हैगा, वो अपना रोटियां बनाई गई, बाद में उन्होंने पता लग गया कि साला मेरी मुंडे का सिर पटिया, वो फिर उठ के भजी। अज उही हाल हरेक बंदे का है जी, मजदूर बाहर है, शिक्षा वाले भी बाहर है, इंपलोर भी बाहर है, सारे मतलब पट्ठा बैठ गया इस करके बाहर आए, किसी नूं शौक नहीं पिया। ये असी मोदी सरकार नूं नीतियां जिहड़ियां हैगियां उह ठीक करन, इह जे जिहड़े फालतू दे फैसले ना लवे, शिक्षा बारे काम करे, स्वास्थ्य बारे और एकता बारे। बस की कहना चाहूँगा जी कि इन्ने वे पद्धर से लोगों को क्यों बाहर आना पे? ये मजबूरी है जी साड़ी, क्योंकि नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई कितने पहुँच गई है, जो ठेकेदारी निजी करना है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ताकि वर्कर की सिक्योरिटी तो मौजूद हो,
ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਅੱਜ ਉਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਰੇ ਧੱਕਾ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸੀਂ 2020 ਤੱਕ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2012 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਧੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਬਤਾਈਏ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, 0 ਪਏ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 10,000 ਮੈਂ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੁਲਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ NRC ਦਾ, CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦੇਣ। ਜੈਮ ਪੋਰਟਰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, 9,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਆ ਪੈਣੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰਿਕਾ। ਸਾਰਿਕਾ, ਬਤਾਈ ਆਪ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ, ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸ ਲਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਸਰ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ JNU ਮੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੂੰ। ਆਪ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਨਕੇ ਲਈ ਚਾਹ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੀਆ ਗਿਆ?
कैसे आप बताइए, आप लोग यहाँ पे चाय पिला रहे हैं लोगों को, उसके बारे में आप लोग क्या कहें? नॉट, मैं एक्चुअली इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में बताइए। सो द प्रोटेस्ट इज अबाउट कि एज अ कंट्री वी आर लूजिंग आवर बेसिक कोर फंडामेंटल वैल्यूज, एंड इफ वी लूज दोस वी विल नॉट बी अ नेशन कॉल्ड इंडिया। तो भारत बंद हैज बीन ऑर्गेनाइज बिकॉज अगर आप देखेंगे जो JNU में हुआ, अब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर हमला, अब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर उसके बाद 60 घंटे हो गए, एक अरेस्ट नहीं हुआ। वेर आपके टाइम्स नाउ हर चैनल पर बता दिया गया कि हु वर द कल्प्रिट्स, हु वर द जिन्होंने वायलेंस करा, एंड इफ दिस बिकम्स द न्यू नॉर्मल तो आई डोंट थिंक दैट वी एज अ नेशन विल बी एबल टू सर्वाइव। क्या लगता है कि जैसे JNU में हुआ है, अगर बाकी देश के लोग इसको नहीं समझते, आगे नहीं आते, तो आपको लगता है कि देश की बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही होगा फिर? बहुत लाजम है कि हो जाए, बहुत आसान है करवाना। हमेशा जब द पर्सन हु इज नॉट इनकॉम्पिटेंट, जिनके पास जिगर नहीं होता है, वो वायलेंस पे उतरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो नौजवान है वो जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ क्यों है? हम सरकार के खिलाफ है, हम एक इंसान के खिलाफ नहीं, हम सरकार की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी देखते हो, अगर आप सोशल पॉलिसीज़ भी देखते हो, अगर आप लीगल पॉलिसीज़ भी देखते हो, तो आपको समझ आएगा कि क्यों हम खिलाफ है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाकर काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है दिक्कत। जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि जो हमारे विरोधी हैं, जो कांग्रेस है या लेफ्ट के जो लोग हैं, वो इन लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। इज़न्ट दैट अ वेरी ईजी रूट टू टेक कि आप दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हो? हमेशा अपने घर में दिक्कतों पे काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है दूसरे के घर से। हम पाकिस्तान में तो बोल देते हैं कि माइनॉरिटीज़ पे ही हो गया, जो हमारे देश में होता है हम उसकी कहाँ बात करते हैं। कहाँ बात हो रही है कि JNU में जो हमला हुआ है, वेयर इज़ अ सिंगल कोट फ्रॉम द होम मिनिस्टर और योर प्राइम मिनिस्टर? वाई इज़ दिल्ली पुलिस बिहेविंग एंड एक्टिंग इन सच अ मैनर कि आप लोगों को मारने दे रहे हो, और वो भी बच्चों को? हम पढ़ने जाते हैं, तो दिस इज द एंटायर थिंग, दैट इज व्हाई वी आर हियर। वी नीड टू सस्टेन दिस टू इंश्योर दैट टुमारो आर फ्यूचर किड्स विल हैव अ बेटर नेशन टू लिव इन। आई बिलीव इन अ वर्ल्ड ऑफ पीस, आई डू नॉट बिलीव इन अ साइकिल ऑफ हेट्रेड। And from past so many years, ना मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूँ ना मैं बीजेपी। लगता है कि इन फ्यूचर ये जो गुस्सा है ये और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो इतने तुम गलबात असी की है नौजवानों के नाल, साफ तौर के उत्ते गुस्सा देखने मिल रहा है कि सरकार जी है उन्होंने मसलों पर गल नहीं करना चाहती, ना सिक्ख्या गल करना चाहती है, ना रुजगार से गल करना चाहती है। मजदूर का शोषण हो रहा है, किसान खुदकुशियां कर रहा है, इन्होंने मसलों पर गल होनी चाहिए सी पर गल नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने प्रदर्शनों के लिए बाहर सड़कों के उत्ते उतरना पै रहा है। तो फिलहाल अज्ज के पंजाब बोलता दे विच इस दे नाल ही नहीं, धन्यवाद।